सोमवार की सुबह भोपाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर केंद्रीय मंत्री उमा भारती से मिलने उनके आवास स्थान पर पहुंची, जहां उमा ने मिठाई खिलाकर साध्वी का स्वागत किया। इस दौरान साध्वी ने कहा कि उमा दीदी के आने से आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही उन्होंने कहा कि दीदी मेरे लिए प्रचार भी करेंगी। साध्वी ने सहज मुलाकात की बात करते हुए सिर्फ यही कहा कि जनता के सामने कांग्रेस का चरित्र उजागर हो रहा है। कांग्रेस का चरित्र उजागर हो रहा है जनता के सामने। आज नवजोत सिंह सिद्धू भी दीदी प्रचार करने आ रहे हैं। दीदी नवजोत सिंह सिद्धू दो सभा करेंगे दिग्विजय सिंह के समर्थन में। मैंने कहा ना जनता के सामने कांग्रेस का चरित्र। दीदी क्या लग रहा है कन्हैया कुमार से क्या होगा, कुछ नुकसान होगा बीजेपी को? मेरा कोई नहीं, बीजेपी को कोई राष्ट्र धर्म को कोई नुकसान नहीं हो सकता। उसके लिए ही मोदी जी ने इस बार एक नई योजना है। अशोक उपाध्याय इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता हैं, रुक करते हैं उनका। अशोक उपाध्याय जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उमा भारती से मुलाकात की है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने, क्या इसके राजनीतिक समीकरण निकलते हैं? क्या अब उमा भारती अगर प्रचार के लिए आती हैं तो इसको बीजेपी का लाभ मिलेगा? जी आरती बिल्कुल, भोपाल से भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आज सुबह प्रचार करने से पहले सीधी केंद्रीय मंत्री उमा भारती के बगले पहुंची। उमा ने साध्वी का स्वागत किया, उन्हें मिठाई भी खिलाई, दोनों के बीच मुलाकात बेहद आत्मीय रही। उमा ने साध्वी को भोपाल में प्रचार करने का भरोसा भी दिलाया। दोनों साध्वी के हुई बीच मुलाकात को इन कयासों पर अभी विराम लग गया जिसमें दोनों के बीच तनाव की बात कही जा रही थी। दरअसल उमा ने मीडिया से साध्वी के सवाल पर कहा था कि साध्वी प्रज्ञा एक महान संत हैं और मैं उनके सामने छोटी सी मूर्ख प्राणी हूँ। उमा के इस बयान के तंज के तौर पर देखा जा रहा था जिस पर अब विराम लगता नजर आ रहा है। जी आरती। जी अशोक उपाध्याय जी, जैसा कि आपने कहा कि अब प्रचार कर सकती हैं, लेकिन जिस लिहाज से देखा जाए कि कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही थी भगवाकरण किया जा रहा है राजनीति का, और अब भोपाल सीट के लिए कहा जा रहा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी आरती बिल्कुल, दोनों साध्वी की मुलाकात को डैमेज कंट्रोल के रूप में भी देखा जा रहा है और दोनों साध्वी एक जिस आत्मीयता से मिली उससे लग रहा था कि उमा के मन में साध्वी के लेकर कोई गिला शिकवा नहीं है। वहीं साध्वी जी ने भी कहा है कि साधु सन्यासी कभी एक दूसरे से नाराज नहीं होते, मैं उनसे मिलने आई हूं और हम दोनों के बीच हमेशा से आत्मीय संबंध रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि साध्वी की उमा से हुई मुलाकात जहां सियासी विपक्षी नेताओं के मंसूबों पर पानी फिर गया, वहीं उमा भारती द्वारा भोपाल में चुनाव प्रचार करने से बीजेपी को एक बड़ी मजबूती मिलेगी। अशोक उपाध्याय जी बने रहिए हमारे साथ, आपसे फिर होगी बातचीत। तो आपको बता दें कि उमा भारती से आज साध्वी प्रज्ञा मिली हैं और पहले जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि उमा भारती को भोपाल सीट से उतारा जा रहा है, और जब से साध्वी प्रज्ञा को चुनावी रण में भोपाल से उतारा गया था तब से कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि उमा भारती शायद अब साध्वी से नाराज है, लेकिन आज दोनों की मुलाकात को देखते हुए कहीं से नहीं लगता कि दोनों के बीच में किसी तरह की नाराजगी है।